आज के डिजिटल युग में लोग शौक पूरे करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, यानी हमारा शौक पूरा हो चाहे किसी भी कारण से, ये घटना उसी का उदाहरण है जिसमें आपको हम आगे बताने वाले हैं कि एक महिला अपने भांजे और भांजी के साथ मिलकर अपने शौक पूरे करने के लिए क्या कर्तव्य दिखाती है। तो जी आपको बता दें कि बड़ी खबर है नालासोपारा से। यहाँ क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की टीम ने कार से म्यूजिक सिस्टम चोरी करने वाली मामी, भांजा और भांजी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं एक नाबालिग लड़के के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। क्राइम ब्रांच ने उनके पास से 6 मामलों का खुलासा किया है जिसमें 1,06,000 रुपए का मालमत्ता बरामद किया है। इस घटनाक्रम में गिरफ्तार महिलाओं के नाम है अंजू वधानी और सरिता लिंगम, और इसके साथ एक नाबालिग लड़के को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। घटना दरअसल ऐसी है कि महिलाएं जो है, दोनों महिलाएं जो पकड़ी गई हैं, इन्होंने किस्त पर यानी लोन पर मोबाइल लिया था और मोबाइल का जो EMI थी वो नहीं भर पा रहे थे। तो पुलिस ने बताया कि इनके जो संपर्क थे, पहले ये चेंबूर में रहा करते थे, तो चेंबूर के कुछ छपरी और चोर लोगों से इन दोनों के संबंध थे, यानी बातचीत थी, पहचान थी। इन्होंने अपनी समस्या उनसे बताई कि ऐसे में मोबाइल की EMI नहीं भरी जा रही है, तो उन लोगों ने सजेशन दिया कि आप, उन्होंने सुझाव दिया कि आप कहीं से कुछ अगर बेच सकते हो लाके तो यहाँ पे बेचिए, हम लोग खरीद लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कार से टेप चुराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मामले बढ़ते गए। बाद में पुलिस ने जब CCTV खंगाला तो देखा कि ये एक ग्रुप बन चुका है जो लगातार इस तरीके के वारदातों को अंजाम देता है, और इनके जो मोबाइल की EMI है वो भरने के चक्कर में इनके ऊपर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। तो इस तरीके के मामले जो है बताते हैं कि शौक पूरे करने जरूरी नहीं है, सही ढंग से ज़िंदगी जीनी जरूरी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने महिलाओं को अरेस्ट करके 4 दिन की पुलिस कस्टडी ली थी, जिसके बाद उन्हें विरार पुलिस स्टेशन को सुपुर्द कर दिया गया है। अब वहाँ पर जो मामले दर्ज हैं वहाँ पर इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और जाँच की जाएगी। इसके बाद और कहाँ कहाँ दर्ज हैं अब इनकी पेशी वहाँ भी लगातार होती रहेगी। तो ये खबर उन लोगों के लिए नसीहत है जो अपने शौक पूरे करने के लिए गलत कदम उठाने को भी तत्पर हो जाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।